प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि रैली का जनसैलाब और उत्साह साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा था, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें लोग भाग भाग कर मंच पर चढ़ रहे थे, तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्यों चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसा देते हैं, लेकिन इन्होंने पैसा दिया नहीं तो लोग भाग कर मंच पर चढ़ गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो वो आपका भला कैसे कर सकती है। सपा ने पीएम मोदी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। सपा प्रवक्ता मनोज काका ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अखिलेश यादव को सुनने लाखों लोगों की, युवाओं की जनमानस स्वतः आ रही है। उधर बीजेपी के बादशाह बौखलाए हैं क्योंकि उनकी रैलियों में कुर्सियां खाली रह जा रही है। बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा बांट रही है और आरोप विपक्षी दलों पर मोदी जी लगा रहे हैं। इसके अलावा पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए, वे बैंक खाते बंद कर देंगे और पैसा छीन लेंगे। उनकी सरकार ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, वे बिजली कनेक्शन कटवा कर फिर अंधेरा कर देंगे। उनकी सरकार घर घर पानी पहुंचा रही है, सपा कांग्रेस वाले घर की पानी की टोटी भी खोल कर ले जाएंगे। पीएम मोदी के टोटी वाले बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र बहस के बाद आज नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया वाले आपके बैंक खाते बंद करा के उसका पैसा छीन लेंगे, घर के बिजली कनेक्शन काट कर अंधेरा कर देंगे, आपके नल की टोटी खोल ले जाएंगे। मुझे तो अब इनकी चिंता हो रही है, यह हार की हताशा नहीं, उससे कहीं ज्यादा गंभीर समस्या दिख रही है। क्या लगता है आपको अब इसके बाद क्या बोलेंगे? आपके बच्चों के टिफिन का एक सैंडविच खा लेंगे, मटर पनीर की सब्जी में से पनीर निकाल लेंगे, जब बच्चे खेलने जाएंगे तो उनका बैट चुरा लेंगे, जब कपड़े सूख रहे होंगे तो शर्ट लेकर भाग जाएंगे, घर के बाहर से दूध का पैकेट और अखबार गायब कर देंगे, मंदिर के बाहर से चप्पल चुरा लेंगे, गाड़ियों से पाइप लगाकर पेट्रोल चुरा लेंगे। उम्र का असर है या दिमागी दिवालियापन? खैर जो भी है, नरेंद्र मोदी ने आखिरकार यह तो मान ही लिया कि इंडिया वाले आ रहे हैं।